फ्रांस ने दिया इंजन तो डीआरडीओ ने बता दी एमका की डेडलाइन। 2026 में तेजस 2 तो 2028 में एमका विमान भरेंगे पहली उड़ान। इधर डिफेंस रिसर्च के लिए मोदी सरकार ने कर दिया सबसे तगड़ा ऐलान। निजी कंपनियों के टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए दिए 50,000 करोड़। दोस्तों कुछ साल पहले ही भारत को तकनीक देने से तमाम महाशक्तियां दूर भागती थीं, लेकिन जब से पीएम मोदी ने बैलेंस्ड विदेश नीति के तहत काम करना शुरू किया है तब से हर कोई भारत के साथ आने को बेकरार है, चाहे वो फ्रांस हो, रूस हो या फिर अमेरिका हो। अमेरिका ने जहां पहले ही भारत के साथ लड़ाकू विमानों के इंजनों के साथ साथ तमाम घातक हथियारों का करार कर रखा है, जबकि तमाम लड़ाकू विमानों का भी ऑफर दे रहा है। वहीं फ्रांस ने एरोस्पेस में अमेरिका को पीछे करने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत को अपने बेहद घातक जेट इंजन देने का जबरदस्त ऑफर दे डाला है। वहीं इंजनों की दिक्कत का रास्ता साफ होते ही डीआरडीओ ने तेजस 2 और एमका विमानों की डेडलाइन फिक्स कर दी है। 2026 में जहां तेजस मार्क 2 पहली उड़ान भरेगा, वहीं 2028 में एमका विमान अपनी पहली फ्लाइट करेगा। भारत का मकसद हथियारों की दुनिया में सबसे आगे जाने का है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निजी उद्योगों को तमाम रक्षा प्रोजेक्ट में आर्थिक मदद के लिए 50,000 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया है। ऐसा करके भारत ने अमेरिका की डारपा को पीछे करने का प्लान बनाया है, जो डिफेंस रिसर्च के लिए काम करती है। तो डिफेंस सेक्टर में भारत की ताबड़तोड़ कामयाबी और आगामी प्रोजेक्ट्स की तगड़ी रणनीतियों का सीक्रेट प्लान जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। अब फ्रांस अपना सबसे दमदार इंजन करेगा भारत के हवाले। एमका के साथ साथ नेक्स्ट वेरिएंट को भी बनाएंगे तूफान। तेजस 2 और एमके के ट्रायल की हो गई चाक चौबंद तैयारी। खतरनाक हथियारों के लिए सरकार ने लिया बहुत बड़ा स्टेप। भारत दुनिया में रक्षा व्यापार में बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है, जिसके लिए हर तरह की जद्दोजहद की जा रही है। भारत सरकार दुनिया भर में अपने कांटेक्ट का पूरा इस्तेमाल इस गोल को अचीव करने के लिए कर रही है। लंबे वक्त से भारत इसके लिए काम कर रहा है, जिसका रिजल्ट अब सामने आ रहा है और दुनिया भर के देश भारत के साथ काम करने के लिए खुलकर सामने आ रहे हैं। फ्रांस ने भारत को अपना बेहद दमदार इंजन एमका विमानों के लिए देने का ऐलान कर दिया है। फ्रांस के इस इंजन को दुनिया के सबसे ताकतवर इंजनों में से एक माना जाता है। एरोस्पेस में फ्रांस दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है, यहाँ तक कि कई बार अमेरिका भी फ्रांस से घबरा उठता है। भारत जहाँ एक तरफ खुद के दम पर अपनी हवाई ताकत और डिफेंस पावर को मजबूत करने के लिए कदम उठा रहा है, वहीं विदेशी पार्टनर की मदद से भी तकनीकियों को हासिल कर रहा है। और भारतीय एरोस्पेस इतना ताकतवर हो चुका है कि उसने स्टेल्थ विमान एमका और तेजस 2 के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है। दमदार स्वदेशी विमानों के इस अपडेट और डिफेंस सेक्टर में भारत के अब तक के सबसे मजबूत कदम के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि फ्रांस आखिर भारत को अपनी वो तकनीक क्यों दे रहा है, जिसके दम पर वो पूरी दुनिया में राज करता आया है। पूरी दुनिया में रूस के बाद फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर है। फ्रांस के विमानों का लोहा पूरी दुनिया मानती है, यहाँ तक कि एरोस्पेस के मामले में फ्रांस सुपर पावर को कड़ी टक्कर देता है। अमेरिका खुद इस ताकत को जानता है। भारत ने फ्रांस से पहले ही मिराज 2000 और राफेल विमान खरीदे हैं, जबकि राफेल मरीन का सौदा अंतिम स्टेज में है। भारत ने इसके अलावा भी फ्रांस से तमाम हथियार खरीदे हैं, यानी भारत फ्रांस पर हथियारों को लेकर भरोसा कर सकता है। अब इसी बीच हाल ही में फ्रांस ने भारत को एमका और तेजस 2 के लिए इंजन का ऑफर दिया है। फ्रांस को इस बात का भी खौफ था कि कहीं भारत राफेल एम की जगह किसी अमेरिकी विमान के लिए डील न कर ले। अब फ्रांस की सफरान कंपनी ने भारत को अपने जिन जेट इंजनों का ऑफर दिया है वो इतना ताकतवर है कि 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने की क्षमता रखता है। ये एमका के लिए बेहद जबरदस्त साबित होगा, जबकि इसे विकसित करके 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट भी जनरेट किया जा सकता है, जो एमका के एडवांस वेरिएंट को ताकते देने की क्षमता रखेगा। फ्रांस भारत के साथ ये इंजन भारत में ही बनाने को तैयार है, जबकि वो भारत को इसकी तकनीक भी ट्रांसफर करेगा। मतलब इस इंजन को बनाने की पूरी प्रोसेस भारत के एक्सपर्ट्स को सिखाई जाएगी। इस करार के बाद ये इंजन भारत का हो जाएगा, जिसे भारत अपने लिए तो इस्तेमाल कर ही सकेगा, बल्कि मित्र देशों को निर्यात भी कर सकेगा।
ये भारत की हवाई क्षमताओं के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि ये करार लड़ाकू विमानों के लिए भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना देगा। फ्रांस के इस ऐलान के बाद ही डीआरडीओ ने अपने एमका और तेजस 2 विमानों की जल्द तैनाती का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। पहली उड़ान के बाद 4 साल के अंदर होगी तेजस 2 की तैनाती। वहीं स्टेल्थ एमका विमानों का भी ट्रायल बेहद जल्द किया जाएगा पूरा। डीआरडीओ के मुताबिक जब भारत ने अपना पहला स्वदेशी विमान तेजस बनाया था तो इसके ट्रायल के वक्त न तो भारत के पास सुविधाएं थीं और न ही भारत के पास एक्सपर्ट थे, जिसकी वजह से पहली उड़ान के बाद सर्विस में आने में इसे कई सालों का वक्त लग गया। लेकिन तेजस और तेजस एम के एक विमानों के बाद भारत के पास तगड़ा इकोसिस्टम है, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी है, जिसकी वजह से अब तेजस 2 और एम का विमानों के ट्रायल में उसे उतना वक्त नहीं लगेगा और बेहद जल्द हर तरह के ट्रायल पूरे करके जल्द से जल्द इनकी तैनाती की जाएगी। तेजस 2 2026 में अपनी पहली उड़ान भरेगा, जबकि एम का विमान 2028 में एंट्री मारेगा। डीआरडीओ ने इन दोनों विमानों के प्रोडक्शन से पहले इनके ट्रायल का पूरा इंतजाम कर लिया है, जिसके तहत तेजस 2 की पहली उड़ान के बाद 4 साल के अंदर हर तरह का ट्रायल पूरा कर लिया जाएगा, जबकि एम का विमान भारत का पहला स्टील्थ तकनीक से लैस विमान है। इस वजह से इसके ट्रायल में ज्यादा तैयारियों की जरूरत है, लेकिन डीआरडीओ के मुताबिक एचएएल और वायुसेना इसे 5 साल में पूरा करेंगे। दोनों विमानों के एक साथ ट्रायल होंगे, इस हिसाब से फैसिलिटी के दुरुस्त किया गया है। एम का विमानों के ट्रायल के लिए इसे 1500 उड़ानें कराई जाएंगी, जबकि ट्रायल के साथ इन विमानों में खतरनाक तकनीकियों और हथियारों को इनबिल्ट किया जाएगा। तेजस विमानों के बाद भारत की क्षमताओं में इतना इजाफा हो चुका है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और वायुसेना इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो इन विमानों का ट्रायल जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। ये भारत की विमान क्षमताओं को दिखाता है। वहीं भारत एरोस्पेस और घातक हथियारों में दुनिया के सबसे ताकतवर खिलाड़ियों में से एक बनना चाहता है। इसी वजह से सरकार कई दमदार कदम उठा रही है। अपनी मजबूत पॉलिसीज की वजह से जहां भारत को विदेशों से हर जरूरी तकनीक मिल रही है, वहीं भारत खुद की ताकत में ताबड़तोड़ इजाफा कर रहा है, जिससे न केवल वो अपनी खुद की जरूरतों को पूरा कर सके बल्कि दुनिया भर के देशों को अपने हथियार सप्लाई भी कर सके। इसके लिए जरूरी है कि इस क्षेत्र में काम कर रहे तमाम उद्योगों को मदद दी जाए, जिससे भारत के अंदर डिफेंस के लिए तगड़ा रिसर्च हो सके। अमेरिका की डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी अपने देश की कंपनियों को इसके लिए तमाम मदद देती है। भारत ने इसे काउंटर करते हुए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के जरिए निजी क्षेत्र की तमाम कंपनियों को अपने रक्षा प्रोजेक्ट के लिए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इसके लिए सरकार ने 50,000 करोड़ का बजट दिया है, जिससे भारत के अंदर डिफेंस में तगड़ा रिसर्च हो सके और भारत दुनिया में हथियारों का बड़ा खिलाड़ी बन सके। तमाम उद्योगों के प्रोजेक्ट प्लान से सेटिस्फाई होकर ही ये मदद दी जाएगी, जिससे इस मदद का सही इस्तेमाल हो सके। रिसर्च ही किसी भी तकनीक में आगे बढ़ने का सबसे मजबूत कदम है, इस लिहाज से ये भारत सरकार का बहुत बड़ा कदम है। तो दोस्तों, भारत की रक्षा ताकत के बढ़ रहे दबदबे पर आपका क्या कहना है, कमेंट में बताना न भूलें।